गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पिछले वीडियो में देखा कि मात्राएं किसे कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं शब्द, शब्द कैसे बनते हैं। जब हम वर्णों को सही जगह प्रयोग करते हैं तो वह शब्द बन जाते हैं। जैसे उ प व न, क्या शब्द बन गया? उपवन। यह सही शब्द है क्योंकि इसमें वर्णों की सही स्थान पर रखा गया है। यदि हम इन्हीं वर्णों को उल्टा करके अगर लिखते हैं तो वो शब्द नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दिया है, देखो व प न उ, ये कोई शब्द बन रहा है क्या? व प न उ नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है तो ये शब्द नहीं बन सकता। तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो हमें शब्द बनाने के लिए जो वर्ण है वो सही क्रम से लगाना जरूरी है। अगर हम उल्टे से उल्टे क्रम से व्यंजन लगाते हैं तो उसका अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन पाएगा। ओके, अभी दूसरा है हमारा वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है आपको, तोता खा रहा है आम। ये बराबर से वाक्य बन गया क्या? ये सभी शब्द सही है तो है, पर हमें उन्हें वाक्य कह नहीं सकते क्योंकि इन शब्दों का क्रम ठीक नहीं है। अब इन्हीं शब्दों को हम सही क्रम से लगाकर पढ़ेंगे तो यह सार्थक वाक्य बन जाएगा क्या? देखो, तोता आम खा रहा है, अभी ये बराबर वाक्य बन गया। पहले हमने क्या लिखा था? तोता खा रहा है आम, यह अर्थपूर्ण वाक्य हो गया क्या? शब्द तो हमारे बराबर है, तोता तोता, आम आम, खा खा, रहा रहा, है, मगर ये सही क्रम से लगाए वाले नहीं थे, इसलिए हमारा अर्थपूर्ण शब्द वाक्य बन गया क्या? नहीं। तो जिस तरह हम व्यंजन क्रम से लगाकर शब्द बनाते हैं, उसी ही प्रकार हमें शब्द भी क्रम से लगाकर वाक्य बनाने पड़ते हैं। अगर हम किसी भी तरह शब्द लिखेंगे तो उसका वाक्य नहीं बन पाएगा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? सभी स्वरों की मात्राएं होती है, सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ओके, तो यहां तक सभी को समझ में आया? ओके, थैंक यू।